बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो मेरी वीडियो पे नए आने वाले हैं, सबसे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अगर दिल चाहे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने प्यारों को खत लिख रही हूँ और उसमें मैं उनका हाल चाल पूछ रही हूँ और उनको मैं अपना हाल वाल बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अब जो है वो फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन की टेक्नोलॉजी है। जहाँ लेटर 8 दिन 10 दिन में पहुँचता था, अब आप 1 सेकंड के अंदर अंदर बात कर सकते हो अपनों से। ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है जिससे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रसाइयों के कवर हैं वो मैंने धोए हैं क्योंकि सर्दी ऑलमोस्ट जा चुकी है। तो मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता अब इन कामों को भी निपटा दिया जाए क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको वन बाय वन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक बंदे के लिए इतने ज़्यादा काम होते हैं और घर के काम भी होते हैं जो करने होते हैं और चैनल को भी टाइम देना होता है जो कि नहीं मैं दे पा रही और काम वाली नहीं मिल रही जिसको मैं रख सकूं क्योंकि जो काम वाली है वो बस आके काम करके चली जाती है। तो इसलिए जो है ना काम जो है ना वो बस दिमाग में चलते रहते हैं जिससे मेरी कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं काम करते हुए। तो यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी इनको सिलाई कर लूँ, अगर ना किया तो ये काम रह जाएगा। और मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हो तो इनको सबको वॉश करके रखूँ। ये काम मैंने अपनी अम्मी से सीखा था क्योंकि मेरे अम्मी जान ऐसा करते होते थे कि जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हुई तो उन्होंने सब रसाइयों के कवर उतार के वॉश करके फिर दोबारा ऊपर चढ़ा के उनके ऊपर सिलाइयाँ लगा के तो फिर वो रखा करती थी। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और करवट करवट उनको जन्नत नसीब हो और तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे अल्लाह ताला। आमीन सुमा आमीन। कोशिश करती हूँ अपनी अम्मी के काम को फॉलो करते हुए मैं भी वैसे ही करूँ जैसा वो करते होते थे। तो मैं काफ़ी थक चुकी थी और मैंने कहा जहाँ थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करती हूँ। और ये मैंने पीठ पर ड्रामा भी देख रही थी क्योंकि मुझे बाद में दोपहर का लंच भी बनाना था। हाँ जी, यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और आज मैंने सोचा है कि चिकन पुलाव मैं रेडी कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गया नहीं बनाया। तो बच्चों को बिरयानी पसंद है, चिकन पुलाव वो पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर चिकन पुलाव तैयार कर रही हूँ। और ये मैं रेसिपी बिल्कुल नहीं दे रही, मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। चिकन पुलाव की रेसिपी मैंने बनाई हुई है, शेयर की हुई है। और यहाँ पे चिकन जो है वो तकरीबन ब्राउन होने वाली है और गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं सिलेंडर पे खाना बना रही हूँ क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिसकी वजह से गैस जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। और जिस दिन बारिश होती है गैस का आना तो नामुमकिन ही है, वो नहीं जाए सारा दिन नहीं मिलती। और फिर मैंने ये सिलेंडर पे सारा खाना तैयार किया और यहाँ पे तकरीबन चिकन फ्राई हो चुका है। और इसके बाद जो है वो मैं मसाले डाल दूँगी, खड़े मसाले डालूँगी और साथ साथ मैं ये चाय भी पी रही हूँ क्योंकि थकावट काफ़ी हो चुकी थी तो मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा चले खाना बना के तो उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूँगी। तो फिर चाय की तलब हो रही थी, साथ मैंने एक कप चाय तैयार कर ली, साथ साथ वो पी रही हूँ, साथ साथ खाना तैयार कर रही हूँ।
और मेड आई हुई थी, वो भी साथ साथ बातें कर रही थी, तो इसीलिए मुझे जो है ना वो वॉइस ओवर करनी पड़ गई है। तो अक्सर आप मेरी वीडियो देखते हुए फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ जाती है, जो कि ये काम जो है वो काफ़ी टफ है वॉइस ओवर करना। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी मसाले, और उसमें मैंने ये डाले हैं रेड चिल्ली, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, यानी 1/3, और मसाले वैसे भी जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई कम खाना पसंद करता है, कोई ज़्यादा खाना पसंद करता है। हाँ जी, यहाँ पे पानी डाल के तो मैं इसको कवर अप कर दूँगी, और बॉयल आने तक इसको कवर अप रखूँगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। हाँ जी, ये पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि नमक मैं एंड में डालती हूँ, पहले नहीं डालती। चावल का हिसाब लगा के तो उसके बाद फिर मैं नमक डाल देती हूँ, इससे ये होता है कि नमक ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। और साथ में मैं ये कछुए से रेडी कर रही हूँ, और साथ में ये राइस रेडी कर रही हूँ ताकि बच्चे शौक से खा लें।
हाँ जी, चिकन पुलाव किस किस को ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप क्या क्या देखना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर में खाना जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो बनता है। और ये हल्की सी आँच आ रही थी इसकी गैस की, तो फिर मैंने उसके ऊपर मैंने ये कटलेट्स बना रही हूँ। हाँ जी, खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पे ये रोटी खाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पराठा और साथा ये गोभी का साधन था वो उसके साथ मैं खाना खाऊंगी। और इसके साथ मैं अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।